Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GPAT 2022 application correction के बारे में. जी गाइस, आप लोगों का जो यहाँ पे GPAT 2022 का जो गाइस यहाँ पे application correction है वो यहाँ पे start हो चुका है. तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपना application form fill करते जान कोई गलती की है, कोई mistake की, कोई invalid details enter कर दी, तो गाइस वो आप यहाँ पे change edit कर सकते हो. किस तरह से करना है, क्या प्रोसेस है, आइए हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करते हैं. सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा क्लियरली एप्लीकेशन करेक्शन स्टार्टेड. तो नीचे आएंगे, नीचे आने पर आप नोटिफिकेशन कॉलम दिखा देगा जहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म. इस लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा. जैसे थे करेक्शन लेटेस्ट न्यूज करेक्शन फॉर GPAT 2022 ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाई देगा. सिंपली उस पर क्लिक कर देना है. क्लिक करते आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर GPAT जिस पे क्लिक करना होगा, और उस पर क्लिक करते आपके सामने यहाँ पे लॉग इन पैनल ओपन हो जाएगा. सिंपली क्या करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देना होगा, आपका जो पासवर्ड है पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है, जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम कैप्चा गाइस एज इट इज आप लोगों को यहाँ पे एंटर करके सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देना है. जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे, क्लिक कर देंगे आप लोग अपने प्रोफाइल में लॉग इन हो जाएंगे, एंड वहाँ से आप डायरेक्टली अपना जो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं सिंपली एक लिंक पे क्लिक करके. सो गाइस, इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई इश्यू होता है यहाँ पे आप लोगों को, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है अगर एप्लीकेशन डिटेल्स या एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने में, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.